हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मेरा नाम है शशांक लेखर और थोड़ी में बात करने वाले हैं जो नेपाल में बम ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में। जी हाँ, अब तक आपने न्यूज़ सुन ली होगी कि बम ब्लास्ट हुआ है नेपाल में और यहाँ पे करीब 8 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। हम जूम इन करते हैं टूवर्ड्स नेपाल, तो यहाँ पे आपको मिलेगा भारत और इसके ऊपर जस्ट आपको मिलेगा नेपाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये जो राज्य हैं, उत्तराखंड भी है, यहाँ पे जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। तो काफी हद तक जो है भारत से लगा हुआ है नेपाल। और यहाँ पे आपको मिलेगा नेपाली कैपिटल काठमांडू। और यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे बम ब्लास्ट हमको देखने को मिलेगा। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिराहा। सिराहा डिस्ट्रिक्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पे ही जो है स्थित है। और इसके अलावा नेपाल की मैं बात करूँ तो नेपाल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है देश है और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी जो है भारत के चल रहे हैं। भारत काफी मदद करता है नेपाल की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, सबसे ज्यादा जो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं वो हिंदुइज्म, करीब 81.2% आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है सेकंड है बुद्धिज्म। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेपाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है और नेपाल में आपको हिमालयन माउंटेन्स में जो है आपको नेपाल देखने को मिलेगा और इंडो गैंगेटिक प्लेन में भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, वो आपको नेपाल में ही देखने को मिलेगा। और इसकी हाइट भी जो है आपको मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेपाल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखने को मिलेंगी। एक आपको ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिलेगा जो है पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ का टेम्पल जो है आपको काठमांडू में देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके पहले ये आर्टिकल देखो, द हिंदू का है, 8% इंजर्ड इन बम ब्लास्ट इन नेपाल। तो नेपाल में बम ब्लास्ट में करीब 8% यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से कौन सा देश है जो नेपाल की मदद कर रहा है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में। अरुण 3 जो प्रोजेक्ट है काफी न्यूज में रहा है और आपको मुझे ये भी बताना है कि ये कौन सी नदी पे यहाँ पे बन रहा है। तो ऑप्शन है म्यांमार, चाइना, इंडिया और भूटान। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको आंसर देना है। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप और आपको जो है यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है। आपको एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर साइन अप करना है। यहाँ पे आप 2 डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, फिर प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है और कोर्स को एंजॉय करना है। और यहाँ पे जो है आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो जो आपके रिविजन में यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है। तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में इंडियन पॉलिटी, इंडियन ईयर बुक, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी कोर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हुआ क्या है, तो प्रेशर कुकर का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इस बम ब्लास्ट में। जो फर्स्ट फ्लोर है लैंड रेवेन्यू ऑफिस का, वहां पे ये ब्लास्ट हुआ है और यहाँ पे करीब 8% जो है इंजर्ड हो गए हैं। और ये जो है बेसिकली जो सिराहा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, ये साउथ ईस्टर्न जो नेपाल है वहां पे आपको मिलेगा सिराहा डिस्ट्रिक्ट। और वहां का जो गवर्नमेंट ऑफिस है, जो लैंड रेवेन्यू का ऑफिस है, वहां पे ये बम ब्लास्ट जो है हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करीब 8 एम्प्लॉयज थे जिनकी जो है यहाँ पे काफ़ी हालत गंभीर है और उनमें से 5 जो है मैन हैं और 3 वुमेन्स हैं। तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हैं ये ऑफिसर्स, उन वो जो है यहाँ पे इंजर्ड हो गए हैं इस ब्लास्ट में। और उनमें से करीब 3 की कंडीशन जो है बहुत ही क्रिटिकल यहाँ पे बताई जा रही है, जिनका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे सिंपली एविडेंस भी मिले हैं। अब एविडेंस क्या मिले हैं, जो जनतांत्रिक जो तराई मुक्ति मोर्चा है, जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, उसके जो है यहाँ पे पैम्पलेट जो है पब्लिश किए थे और यहीं से जो है वही उन्हीं को जो है यहाँ पे बरामद किया गया है। अब ये जनतांत्रिक तराई जो मुक्ति मोर्चा है, ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, ये आर्म्ड आउटफिट है जिसको लेड करते हैं जया कृष्ण गोइट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप का जो है पेम्पलेट्स मिले हैं। तो इससे जो है काफी कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो पेम्पलेट्स है ना, ये ब्लास्ट साइट से जो है बरामद यहाँ पे करे गए हैं। और इस तो यहाँ पे जो है आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पता लगा जा रहा है, ये कैसे बता सकते हैं हम कि ये जो पेपर्स है, ये जनतांत्रिक जो तराई मुक्ति मोर्चा ग्रुप है उन्हीं के ये पेपर्स हैं, उन्हीं के जो है ये पेम्पलेट्स हैं, क्योंकि बम ब्लास्ट में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ से पेपर से कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो देखो यहाँ पे सिंपली जो है ना, जो सिग्नेचर है जया कृष्ण गोइट के, तो ये सिग्नेचर जो है इस पेपर में यहाँ पे मिले हुए हैं। यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो और बहुत सारे पेम्पलेट जो है यहाँ से मिले हैं ब्लास्ट साइट से। तो उसमें जो है इजिली रीड किया जा रहा है कि इस पेम्पलेट्स में या इस ब्लास्ट में जो है इनका हाथ हो सकता है। अब यहाँ पे जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा की हम बात करें तो ये जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। इसको 2004 में फॉर्म किया गया था। बेसिकली सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, उन्हीं का ये पार्ट था पहले, फिर बाद में जो है ये अलग हो गए और इन्होंने जो है अपना जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा जो है यहाँ पे बनाई दिया। ये जो है एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप है जो यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तराई स्टेट जो है वहाँ पे आज़ादी के लिए जो है अपनी लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है नेपाल की यहाँ पे मदद कर रही है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में। तो ये मदद कर रहा है भारत, जी हाँ। अब अरुण 3 जो प्रोजेक्ट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी है और ये बन रहा है और ये अरुण रिवर पे यहाँ पे बनाया जा रहा है नेपाल में। इसकी कैपेसिटी है करीब 900 मेगावाट। तो ये जो है एक काफी बड़ा प्लांट यहाँ पे होगा और काफी ये न्यूज पे रहा है। सो ये था इस वीडियो का और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।